हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बंगाली वेब सीरीज की जो कि हिंदी में रिलीज हुई है। ये आपको हॉयचॉय ऐप पर देखने को मिलेगी और साथ साथ ये आपको फ्री में कहाँ देखने को मिलेगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर चेकआउट करना। और ये पर्टिकुलर सीरीज देखने का बस एक ही रीजन है, वो ये है कि IMDb पे इसको 9.1 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। तो क्या वाकई में इस रेटिंग को ये सीरीज डिजर्व करती है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हम लोग बात करेंगे तकदीर वेब सीरीज की, जिसमें आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 21 मिनट से लेकर 31 मिनट के बीच में ये आपको MX प्लेयर पे एकदम फ्री में देखने को मिलती है। कहली सीरीज की कहानी बेस्ड है बांग्लादेश में, जहां पर हमें एक फ्रीजर वैन ड्राइवर नजर आता है जिसका नाम है तकदीर। अब जिसको नहीं पता फ्रीजर वैन किसको बोलते, तो ये एक तरह की एम्बुलेंस है जिसमें डेड बॉडी को कब्रिस्तान तक लेकर जाया जाता है। खैर, तकदीर इस एम्बुलेंस को दूसरे काम के लिए भी यूज करते हैं, वो ये कि इनके दोस्त कम भाई मोंटू के फिश के बिजनेस में वो इस एम्बुलेंस को अभी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब एक दिन इनको इस वैन में एक लेडी की लाश मिलती, तो उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। खैर, अब बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, जो कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहानी को एग्जीक्यूट किया है कि यहाँ पर आपको दो अलग अलग स्टोरीज मिलती, पहले तो उस ड्राइवर की और दूसरी एक रिपोर्टर की, कैसे वो इन्वेस्टिगेट कर रही है एक रेप विक्टिम के बारे में। दोनों कहानी को जिस तरह से उन्होंने पैरेलल वे में इस शो में चलाया ना, वो आपको पूरी तरह से एंगेज रखता है इस शो में। उसके अलावा शो में बहुत अच्छी तरह से हर एक कैरेक्टर्स को लिखा है। इनफैक्ट जो मेन कैरेक्टर्स है उनके बारे में इतना तो बताया जिससे आप लोग उनके बारे में सब कुछ समझ सकते हो। उसके अलावा शो की सिनेमेटोग्राफी की बात करो तो यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो चीज़ें मुझे यहाँ पर देखने मिली, एकदम गजब की सिनेमेटोग्राफी है। BGM भी एकदम परफेक्ट है इस तरीके के शोज में जैसा होना चाहिए था। अगर के परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहां पर जो लीड एक्टर है चंचल चौधरी, उन्होंने इतना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस किया कि मतलब आप जब उनको स्क्रीन पर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार रियल में उस वैन ड्राइवर को देख रहे हो। ऐसा जिन एक्टर्स ने वहां पर सपोर्टिंग रोल पे किया उनका भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है इस पर्टिकुलर सीरीज में, उन्होंने भी बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस किया। खैर, अब बात करेंगे शो के नेगेटिव पॉइंट की, तो जिसका विलन है वो इतना ज्यादा मुझे स्ट्रांग लगा नहीं और उसके इतने ज्यादा सीन्स है भी नहीं, तो शायद मेकर्स ने ये सोचा होगा कि उसको हम लोग सेकेंड सीजन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये शो आउटस्टैंडिंग नहीं लगा मुझे, बस ये है कि आप कहीं से भी शो को लेकर बोर हो नहीं सकते। एटलीस्ट मैं बोर नहीं हुआ, लेकिन आपके बारे में मुझे नहीं पता क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग टेस्ट होता है और मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को क्या पसंद है। खैर, अब बात करेंगे पेरेंटल गाइडेंस की, तो ये शो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। इसमें कुछ भी एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलता है, और वॉयलेंस सीन्स की बात करूँ ना के बराबर वॉयलेंस सीन्स है, तो यार ये आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे इसकी रेटिंग्स पे, क्योंकि IMDb पे ये फिलहाल 9.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, लेकिन आप लोग एक चीज नोटिस करो कि वहां पर अभी इतने ज्यादा रिव्यूज है नहीं इसके, तो वो रेटिंग चेंज भी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 8 out of 10। आपको ये शो देखना है तो आपके MX प्लेयर पर फ्री में देखने को मिल जाएगा, जाके जरूर चेकआउट करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखना। बाय।